HIV एड्स की बात की जाए तो हर साल इसको लेकर अवेयरनेस कैंप जो है वह लगाए जाते हैं, और आज भी कला केंद्र में मौजूद है जहां पर इसका अवेयरनेस कैंप के साथ साथ यहां पर टेस्टिंग भी जो है यहां पर कराई जा रही है, इसके साथ साथ अलग अलग पेंटिंग के माध्यम से जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। किस तरह का प्रोग्राम है और क्या कुछ अवेयरनेस इस साल लोगों में थीम के साथ लाई जाएगी, ये हम आपको दिखाते हैं। सर, हर साल जब इसकी अवेयरनेस होती है आप हमेशा इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने में आपका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, आज के दिन को लेकर क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? आज वर्ल्ड एड्स डे है 1 दिसंबर को, पर इसको हमने इस बार जो है कैंपेन पूरा एक वीक के लिए की थी। हमने 26 से 30 जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधी GMC जम्मू में प्रोजेक्ट डायरेक्टर JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर समीर मट्टू एंड प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन की डायरेक्शन में हमने एक वीक का प्रोग्राम रखा था, जो आप पोस्टर्स देख रहे हो हमने वहाँ स्टूडेंट्स से वहीं बनवाए थे। उसके अलावा हमने सेमिनार रखा था जिसमें इंग्लिश हिंदी में सेमिनार किया, बच्चों ने अवेयरनेस में पोइम्स थी, गाने थे डोगरी में, कश्मीरी में, लद्दाखी में, एंड देन हमने नुक्कड़ नाटक किए, स्ट्रीट प्लेस किए, जो हमने गोल मार्केट और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में पब्लिक के बीच में जाके नुक्कड़ नाटक HIV एड्स की अवेयरनेस के लिए, और कल हमने लास्ट में जो है इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स जो नशा सिरिंजेस से करते हैं उनको बुलाया था, 20 के करीब लोग आए थे एंड उनके साथ हमने इंटरेक्शन कराई। HOD साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है जो, एंड प्लस जो हमारी डॉक्टर शबनम रीव्स हैं कंसल्टेंट साइकेट्री, उनसे इंटरेक्शन कराई, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, HIV कैसे फैलता है, उनको कैसे बचाव करना है, समाज में उनको कितनी मुश्किलें आती हैं, वो सबका हमने कल अवेयरनेस कराई थी। पूरा हफ्ता हमने प्रोग्राम किया है और मुझे लगता है आगे भी ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस के लिए करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सामाजिक बीमारी है ये और इसकी जानकारी ही इसका बचाव। धन्यवाद। 1981 में ये बीमारी पहचान में आई थी, परमिसिव अमेरिकन वर्ल्ड की बीमारी तब हमने इसको समझा कि होमोसेक्सुअल्स में और इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स में। ये पहला हेल्थ डे है जो हिस्टोरिकली स्टार्ट किया गया, जैसे आजकल हम जानते हैं वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, डायबिटीज़ डे है, हार्ट डे है, किडनी डे है, लेकिन हेल्थ डेज में ये पहला ही था जो प्रथा शुरू हुई, और इसका जो मेन मकसद है वो है अवेयरनेस किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। जैसे कोविड में भी हमने जाना, या फिर आजकल ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट आया है, तो सबसे पहले हम जनता की जागरूकता, जन चेतना जो है वो मकसद रहता है इन डेज का। तो जितना यूथ है इसमें इन्वॉल्व किया गया, 1000 से ज़्यादा बच्चे हफ्ता भर लगे रहे हैं। ये JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है हमारी, हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर समीर मट्टू, उनके नेतृत्व में ये सारी एक्टिविटीज़ हुई है और एज मच एज पॉसिबल जन चेतना के लिए अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, नाटक किए, स्पीचेस दी, सिंपोजिया किए, रंगोलियां बनाई, जितनी भी पॉसिबल है मैक्सिमम उतनी जागरूकता की गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि हम अवेयरनेस के बारे में क्रिएट किए, जैसे आपने देखा डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें बने हुए हैं, पोस्टर्स बने हुए हैं जो बच्चों ने खुद बनाए हैं, इन्होंने अपने स्कूल में बनाए, हमारे पास यहाँ पे एग्जिबिट पे लाए हैं, हमारी कुछ वाटर पेंटिंग्स बाहर चल रही है और कुछ हमारी कैनवस की पेंटिंग्स बाहर चल रही है, और कुछ दो चार हैं जो हमारे स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे कुछ अवेयरनेस के बारे में बोलेंगे। अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और ऐसी एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका है एड्स से डरना नहीं है, अगर किसी को है भी ये वाली बीमारी HIV तो प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, इसमें कोई ऐसा काफ़ी लाइफ का जो एक्सपेंस एक्सपेक्टेंसी और जो इसका है ये लॉन्गिट्यूटी काफ़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, तो इसमें कोई परेशानी है नहीं। और नंबर दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, जो HIV पेशेंट्स हैं उनके सर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उनके पूरे राइट्स हैं, वो राइट्स हमने उनको देने हैं। टेस्टिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, अवेयर किया जा रहा है लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है? आज के दिन हमने सब जगहों पे वॉकिंग टेस्टिंग रखी हुई है, सारी CHCs में जहाँ पे भी हमारे डिप्टी PHCs हैं, जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ वॉकिंग हमने रखी। कला केंद्र में क्या कुछ खास रखा, पेंटिंग के माध्यम से भी, पिक्चर के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और क्या कुछ खास यहाँ पर रखा हुआ है? हमने वो रखा है, यही बच्चे जो पेंटिंग कर रहे हैं आपका, उनका जो है अवेयरनेस के बारे में कैसे उन्होंने पोस्टर्स बनाए वो हैं, फिर हमारा कुछ स्पीकर्स होंगे यहाँ पे, बाहर हमने वो अपना लाइटिंग रखा हुआ है रेड रिबन के इर्द गिर्द ताकि लोगों का अवेयरनेस भी। टेस्टिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही है? हाँ, टेस्टिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्टिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक का है पहले से, ये फ्री टेस्टिंग है।
तो कला केंद्र में मौजूद थे और यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग एसोसिएशन किस तरह से वर्ल्ड एड्स डे की अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम करा रही थी। यहाँ पर हमने आपको देखा कि टेस्टिंग भी करवाई जा रही थी और एक काउंटर भी लगाया गया था जहाँ पर लोगों को एचआईवी एड्स को लेकर अवेयर किया जा रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो है ये अवेयरनेस चल रही है और हर साल अलग अलग थीम के साथ जो है अवेयरनेस कैंप लगाया जाता है। उम्मीद है कि आप इसे कई ज़्यादा अवेयर हुए होंगे। अगले वीडियो लगभग फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।